जो लिटरेचर का है वो समझते हैं कि इतनी सरलता के साथ इतनी गहरी बात उन्होंने कही है। इसलिए गालिब मोमिन मीर अपनी जगह है उर्दू शायरी में, लेकिन मैं समझता हूँ कि नज़ीर की एक जगह है। और मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल पेश करता हूँ पांच मिनट, इसमें भी आपको ताली बजाना है, नाचना है तो नाच सकते हैं। ये बेसिकली मैंने बनाया उस फॉर्म में, कवाली कवाली स्टाइल में मैं गा रहा हूँ, आप लोग को बजाना है ताली। एक राग है, यही शाम का राग है शुद्ध कल्याण, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर है। तो रोटी तो कल्याणी कल्याण देती है ना, मतलब रोटी से ही तो कल्याण होता है, रोटी ना हो तो कल्याण हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने इसको कल्याण में कंपोज किया है। कितने मज़े
करते हैं सब ये दिखाती है दुनिया जब आदमी के पेट में आती है जब आदमी के पेट में आती है रोटियां भूली नहीं वतन ने समझी है जब आदमी के पेट में आती है रोटियां भूली हुई वतन ने समाती है रोटियां। हम 19th सेंचुरी में चले आएंगे, बल्कि जो समय की कमी है हम स्किप कर जाते हैं, हम सीधा चले आ रहे हैं 20वीं सदी, जिसमें हम हिंदुस्तानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे अपने मुल्क के लिए, अपनी जमीन के लिए। तो उसमें न जाने संग्राम के दौरान कितने कितने सब अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में जाने कई हजारों कविताएं लिखी गई हैं, सौ कई हजार पोएट्स आए, सबको तो हम गिना नहीं सकते हैं। तो मैं एक आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मेरा बहुत फेवरेट है, वो अनडिवाइडेड इंडिया के बहुत मशहूर शायर रहे हैं, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, फैज अहमद फैज। तो ये पाकिस्तान हिंदुस्तान तो बाद में बना ना, हम तो उनको हिंदुस्तानी मानते हैं, बाद में चूंकि वो वहीं के थे सियालकोट लाहौर, तो वहाँ रह गए, उनके सारे दोस्त यहाँ हिंदुस्तान में रह गए, लेकिन हम उनको हिंदुस्तानी मानते हैं। उनकी एक नज़्म, उनकी एक गज़ल बल्कि आपके सामने मैं पेश करता हूँ, वो इनकलाबी गज़ल है, चुप कब तक है जुल्म के मारो लखोलो
का कुछ धूल तो ना ले जाएंगे, कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ धूल तो ना ले जाएंगे दरबार वतन। कटते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, रखते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है सर भी बहुत, चलते चलो के अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे दरबार वतन के, अब एक दिन समझाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे दरबार वतन में, जब एक दिन समझाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे दरबार वतन। इस दौरान न जाने कितने शायर हुए हैं, कितने मौसीकार हुए हैं, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ, सबका जिक्र मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ यही आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ये एक परंपरा है जिसमें हम ना हिंदू रहे ना मुसलमान रहे, अलग अलग जात के रहे, अलग अलग हमारा एक ही मजहब रहा है। एक आर्टिस्ट के लिए एक ही मजहब होता है इंसानी, और जब मोहब्बत नहीं होता है वो क्रिएट नहीं कर सकता, वो कलाकार, मैं उनको कलाकार नहीं मानता, उनको इट्स नॉट पॉसिबल टू क्रिएट दोस कॉम्प्लेक्स थिंग्स कॉल्ड म्यूजिक और पोएट्री। तो ये था हमारा सफर, हम घड़ी में 5 बज चुका है और हम भी सफर के अंत में आ चुके हैं। मैं सब आखिरी में जिक्र करना चाहता हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर, और खास तौर पे मैं बताना चाहूँगा ये गांधी जी का 150 बरस है। गांधी जी जिस चीज के लिए लड़ाई की है जिंदगी भर, पता नहीं उनकी पार्टी इस बात को समझती कि नहीं, उनके फॉलोअर्स को याद रखे कि नहीं, लेकिन हमने तो याद रखा है। जिस चीज के लिए उन्होंने जान की कुर्बानी दी है वो है ये सेक्युलरिज्म, वो है ये साझा संस्कृति, गंगा जमुनी तहजीब जी, और उस गांधी जी को याद करके मैं आज की महफिल में खत्म करना चाहूंगा, लेकिन उसी गाने से। आप समझ गए, बंगला में है उनका फेवरेट ना, ठीक है, सबको गाना है, सबको आता है ना, गुनगुना सकते हैं। ये गांधी जी के लिए मेरी श्रद्धा है, अकीदा है, उनको मैं समझता हूं, मैं गांधीयन नहीं हूं, लेकिन मैं समझता हूं आज के 2020-2019 में बहुत रिलेवेंट होते जा रहे, जितना भी रिलेवेंट होते जा रहे टैगोर। तो ये गाना जो है अकेला चलो रे, बेसिकली ये भी बाउल ट्यून है, एक बाउल गीत है, उससे चुरा के बड़े चंद आदमी थे रविन्द्रनाथ टैगोर, यहां वहां से मार लेते थे, आदि वर्मन तो कुछ भी नहीं थे उनके सामने। तो यही बाउल ट्यून लेके अकेला चल रहे किए थे, लेकिन गांधी जी ने
पोइट्री को अपने दिल से लगा, इसलिए मैं उसको। और इसका कोई अगर कोई बंगाली है, ईशान तो बंगाली है ना, तो ये समझा सकता है, मैं उसको ट्रांसलेट कर नहीं सकता हूँ, हालांकि मैं 100% बंगाली हूँ। लेकिन वो ये जो है कि एक क्राइसिस पीरियड में अपना जो कमिटमेंट है, अपना जो उसूल है, अपना जो प्रिंसिपल है, उसमें डटे रहने का जो स्पिरिट है वो है अकेला चल रहे। अकेला चल रहे मीन्स यू नो द मीनिंग ऑफ अकेला चल रहे, यू हैव टू वॉक अलोन, यू शुड बी रेडी टू डू। भले ही आज आप माइनॉरिटी में हैं, आपको उठ खड़ा होना है, आपको चलना है, अगर आप चलेंगे तो दुनिया आपके साथ चलेगी, ठीक है। तो अंत में गांधी जी की याद में रविन्द्रनाथ टैगोर अकेला चलो, आप सब लोग वादा है आप गाएंगे ना, रोहिणी यहाँ आ जाओ गाओ, ये मेरे साथ गाती थी हैदराबाद में, हमने साथ में प्रोग्राम किए, यहाँ आ जाओ आप तो जाओ, सहेली को भी साथ में लेके आओ, कोई गाने वाले आ जाओ, आइए अरे सब मिलके करेंगे ना, ये मेरा प्रोग्राम नहीं है, हम आप सबका प्रोग्राम है। और कोई आना चाहते हैं अकेला चलो रे गाने के लिए, आ जाओ ना, कम 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 जस्ट विस्पर कम। एनीबॉडी एल्स, टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी आ जाइए, कहाँ है कोई है, फिर भी सारे शर्मीले अकेले अकेले ही, कम कम गर्ल्स कम, नाम से बताओ ना, तुम नहीं जिना मीनाक्षी आओ, सब मिलके अकेले चले अकेला चले स्केल थोड़ा ऊपर है, मैं स्केल मैनेज कर लेना आर्टिफिशियल, যদি তোর রাখলে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, যদি তোর রাখলে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর রাখলে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, যদি তোর শুনে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোর শুনে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, যদি তোর শুনে কেউ নাচে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় রে ও ভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়, তবে করণ খুলে তবে করণ খুলে, ও তুই উঠে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই উঠে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর শুনে কেউ আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत
मैं क्या कहूँ कि मेरे लिए बड़ा व्यक्त करना मुश्किल हो रहा है। सही माने आपने बिल्कुल शांति से सुना है और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ उनका, जो लोग नाम भूल गया, डांस किए हैं और रोहिणी हमारे साथ आवाज़ साथ दिया है, इनके लिए हमारा बाल कलाकार, अरे सचमुच मैं सोच रहा था कि ये नर्वस ना हो जाए, क्या करेगा, लेकिन बेटा तुम तो बड़े जोसना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के पीछे बहुत लोग रहे होंगे, मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, हाँ ईशान का नाम जानता हूँ, ईशान तुम्हारे लिए भी एक काम और मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर कोई सवाल कोई टिप्पणी है तो बेझिझक आप हमें कह सकते हैं। मैं बहुत मैं आप ही का एक जन हूँ, तो जो भी है बुरा भला आप हमें बता दें। शुक्रिया। किसी को कुछ कहना है?